কলাক্ষেত্রত আজি রাজ্যিক বিজেপির কৃষক সম্মিলন এই সম্মিলনত উপস্থিত আছে বিজেপির রাষ্ট্রীয় বিজেপির মুখপাত্র তথা রাজ্যিক বিজেপির প্রভারী বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা পান্ডার লগতে উপস্থিত আছে সহ প্রভারী পবন শর্মা সভাপতি রঞ্জিত দাস আর সাংসদ তপন কুমার গগৈ আর এয়া আপনাদেরকে দেখিছে जो असम की सरकार कर रही है जो केंद्र की सरकार कर रही है और जिस प्रकार का असम के अंदर वातावरण दिखाई देता है कमल के फूल के अलावा कोई पार्टी दिखाई नहीं देगी ऐसा असम के अंदर यह दिखाई देता है। इसलिए मित्रों आप किसान हैं, जहां किसान अन्न को पैदा करता है, प्रत्येक घर के प्राणी का पेट भरने का काम करता है, उसी प्रकार से अपने घर में पैदा हुआ हमारा जो नौजवान है देश की सुरक्षा करता है। और इसके लिए आपको बताना चाहिए ये अपने पास में जो 3 महीने का जो समय बचा है उन 3 महीने के अंदर हम सब लोगों को एक एक घर के दरवाजे पर जाकर ये कहना चाहिए कि 55 साल तक ये राज करने वाले जो लोग थे इनसे पूछना चाहिए कि कितने आपने मेडिकल कॉलेज अपने समय में असम के अंदर खोले थे। तो जब जवाब आएगा तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, हम तो एक भी नहीं खोल पाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने इन 5 साल के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया, ये सौभाग्य किसी का है तो आपके आशीर्वाद के कारण से अंदर भारतीय जनता पार्टी के कारण से यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ में हजारों की संख्या में नए स्कूल खोलने का काम किया है। इसलिए मित्रों मेरे प्रमुख वक्ता सब चीजों का उल्लेख करेंगे, मैं तो केवल इस मंच के माध्यम से एक बात कह सकता हूं कि आपने जिस प्रकार से 2014 में हुंकार भरी थी, जिस प्रकार से 2019 में हुंकार भरी थी और 2019 में आपने 303 सीट देकर देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को बुला देश का प्रधानमंत्री दोबारा बनाया था और उसके कारण से जो प्रमुख ऐसे मुद्दे थे हिंदुस्तान की धरती के ऊपर हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन देश के सामने 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान ऐसे खड़े थे कि देश की आजादी के बाद भी हमें उन व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। केवल आपका कमल का बटन दबने के कारण से हमने धारा 370 को इस देश से समाप्त करने का संकल्प किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी तरफ 3 तलाक को भी समाप्त करने का काम किया और मित्रों सबकी सहमति से सबके आशीर्वाद से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इस देश के अंदर श्री राम जन्मभूमि के ऊपर राम मंदिर बनना चाहिए वो भी संकल्प किसी ने पूरा किया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। तो इसलिए मित्रों नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, किसान की खेती का आय का पूरा पैसा मिलना चाहिए और मेरी माता और मेरी बहनों का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ही नहीं, मेरी बेटी दुनिया में जाकर खेल के माध्यम से अन्य माध्यमों से केवल वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, इन 6 वर्षों के अंदर अगर तिरंगा फहराने का काम किया और स्वर्ण पदक लेकर अगर आने का काम किया तो मेरे देश की बेटियों ने किया। ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो संकल्प हमारा था उसकी ओर हम गति से बढ़ रहे हैं। इसलिए आपका आशीर्वाद आपका स्नेह और जो मेरे किसान भाई बैठे हैं थोड़ा समय निकाल कर एक एक घर के दरवाजे पर जाकर और भारतीय जनता पार्टी ने इन 6.5 साल में जो काम किए हैं देश के प्रधानमंत्री का जिस प्रकार का संकल्प है और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री और हमारी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है वो सरकार लगातार जनता की सेवा कर पाए और हम अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश को आत्मनिर्भर भारत के नाम से आत्मनिर्भर असम के कारण से इस देश के अंदर एक नया आयाम पैदा कर पाए, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता की भारतीय जनता पार्टी वंदे। एक बार किसानों के लिए जोरदार ताली बजाकर एक दूसरे का अभिनंदन करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।